नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट टेक फेयर के यूट्यूब चैनल को। आज हम RRB NTPC एग्ज़ाम का रिव्यू लेने आए हैं और हम आ गए हैं सेंटर पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस सेंटर पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से हम लोग एग्ज़ाम का रिव्यू लेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन आया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आगे के लिए क्या हो सकते हैं, ये आपको पता इससे चल सकता है। जैसा कि स्टूडेंट्स लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ इंटरव्यू लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? कुमारी सरिता। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्जाम ठीक गया, अच्छा गया है। कितने मार्क्स आपने अटेम्प्ट किया? एक्चुअली मैं 72 मार्क्स बनाई हूँ और 72 सही भी होगा, मतलब इतना नहीं कर पाया, बन तो जाता, मतलब 90-95 ये बन सकता था। सारा क्वेश्चन इजी था, मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल इजी ही था आज का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। और किससे ज़्यादा सवाल था, किस टॉपिक से, कौन सब्जेक्ट से, आप बता सकते हैं? हाँ, अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन परसेंटेज से था, फिर आपका क्या कहते हैं स्टैटिक से क्वेश्चन था जी। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया, रिजल्ट तो कन्फर्म है उसका। बहुत बढ़िया। आपने कितना अटेम्प्ट किया है? 82। और कुछ क्वेश्चन आप बता सकते हैं जो आपको याद हो आज के एग्जाम्स में आए? क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, रीजनिंग ऐसा था कि उसमें हमको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और इसका भी एक नोटबंदी से सवाल था, जो नोटबंदी नवंबर में बंद हुआ था 2016 में, तो बहुत ईजी सवाल था जो भी था समझे। उसके बाद क्या हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल था, और उसके बाद दो सवाल था इससे टाइम एंड वर्क से सवाल था, और एडवांस से 4-5 सवाल था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। अच्छा, आप बता सकते हैं कुछ किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आया था? ज़्यादा तो मैथ से आया था, मैथ से। जी। और कुछ करेंट अफेयर? हाँ, उसमें से भी था कुछ। याद है आपको सवाल? उसमें से 2020 में ऐसा ही कुछ पूछा हुआ था, याद तो नहीं है। आप कुछ करेंट अफेयर्स का कुछ बता सकते हैं सवाल? करेंट अफेयर्स का ध्यान नहीं, हमको तो एक ही ध्यान में है। आपका नाम क्या हुआ? आशीष नाम हुआ हमारा। करंट से देखिए, जैसे क्वेश्चन था 2-3 साल पहले का करंट भी था, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था तो कौन से डेट को हुआ था, वो था एक करंट। दूसरा 2020 का करंट नवंबर से था कि ICC रैंकिंग में कौन सबसे फर्स्ट स्थान पे था, उसका था। उसके बाद एक जो है ऑस्कर अवार्ड कौन से मूवी को मिला, ये है। उसके बाद आपका करेंट में था कि जैसे कि जो एक बुक है उसके लेखक कौन है, अरविंद अडिगा थे वो है। बहुत सारे क्वेश्चन थे। और मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स पूरा मिक्स था, ऐसा नहीं था कि हाँ प्रॉपर एक ही सेगमेंट से, या अलजेब्रा या टाइम हाइट एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क से, सारा चीज़ से मिक्स था। बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस थे और बहुत इजी क्वेश्चन, क्वेश्चंस का लेवल नहीं था। लग रहा था कि हाँ अगर कोई बच्चा अगर सीरियसली अगर 6 मंथ्स का अगर प्रैक्टिस में अगर होगा वो, तो ऑब्वियसली 90+ वो आराम से मार के आएगा। आप प्रिपरेशन इसका कब से कर रहे थे? हम प्रिपरेशन कर नहीं रहे थे एक्चुअली, लॉकडाउन जब उसे लगा ना, तो उस एक्चुअली हम अभी अपना एकेडमिक्स मेरा चल रहा है तो हम लॉ कर रहे हैं, तो लॉकडाउन में हम सोचे कि चलिए थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते, क्योंकि फॉर्म भरे हैं तो थोड़ा सा होना चाहिए। और जो प्रीवियसली हम लोग जो पढ़ के आए थे 10th तक जो मैथ्स पढ़े थे, तो मैथ्स तो वही था, रीजनिंग में कुछ कोई जान नहीं, सिलोजिलिज्म पूछे हुए था नॉर्मल सा। उसके बाद आपका पाई चार्ट से कुछ क्वेश्चंस थे, और उसके बाद मैट्रिक्स से था, DI से कुछ एक क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चंस नहीं थे, DI से एक ग्राफ था, उससे 3-4 क्वेश्चंस थे, DI से चार्ट से 3 क्वेश्चंस थे पाई चार्ट जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र। अटेम्प्ट कितने किए आप? 75। बहुत बढ़िया। आप कुछ सवाल बता सकते हैं कैसा आया था, क्या था सवाल? ट्रिग्नोमेट्री का था, मतलब अच्छा ही था, फिगर दिया हुआ था और 35 डिग्री मतलब उसका दिया हुआ था कुछ, और बस सर्कल जी जी उमेश से क्वेश्चन था, और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था। एगो का रेशियो दिया था, आप बोला था कि दोनों मिलकर 6 दिन में करता है, और पूछा था कि ए का बताओ बी का बताओ। और आप कुछ मैग्नीशियम जो था ना उसका अति पूछा था, मतलब संकेत नंबर जो होता है ना वो पूछा था। हिस्ट्री से कोई सवाल आपको याद है? हिस्ट्री से था, हिस्ट्री से था क्वेश्चन, सभ्यता कौन सा मरुस्थल जो भारत में नहीं है, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो कौन सा डेजर्ट है जो भारत में नहीं है वो था। एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे
फार्मर्स अपने कमर्शियलाइजेशन और नॉन कमर्शियलाइजेशन के लिए कौन सा पेड़ को उपजाते हैं, किस तरह का उसका वृक्षारोपण होता है, वो था क्वेश्चन एक। एक था लॉन्गेस्ट ट्री था, इस तरह से COVID-19 से क्वेश्चंस नहीं थे। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, किस टाइप का क्वेश्चंस एक्सपेक्ट वो लोग कर सकते हैं आगे आने के वाले शिफ्ट में? देखिए अभी का फर्स्ट और सेकंड स्लॉट जैसे क्वेश्चंस देखे हैं और आज मैंने पर्सनली एग्जाम देके जो एक्सपीरियंस किया है, तो क्वेश्चंस का लेवल नहीं है, लेकिन सारे हल्के हल्के क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड स्लॉट में पूछ लिए जा चुके हैं। तो आने वाले स्लॉट में जब भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो मे बी क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चंस का लेवल हाई है, रेलवेज है, लेकिन एक फिक्स जो डेडलाइन भी जिसको बोल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ रही है अभी तक रेलवे। तो नॉर्मल अगर तैयारी करके आएंगे अच्छी तरीके से कम 70-75 अटेम्प्ट तो नॉर्मली मार सकते हैं वो। अच्छा, ज्योग्राफी का कुछ सवाल था क्या? ज्योग्राफी से क्वेश्चन याद नहीं है। रीजनिंग में क्वेश्चन था, वो पाई चार्ट नहीं कर सकते, गोले वाले को क्या कहते हैं, वो वाला क्वेश्चन। हाँ, निष्कर्ष निकलने वाला था, वो अच्छा खासा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और जीके जीएस में बहुत कम था, एक इंदिरा गांधी नेशनल पार करके कुछ आया था, ठीक है। और मतलब वेरी सिली क्वेश्चन था कह सकते हैं, बहुत इजी। और मैथ जो था काफ़ी कैलकुलेटिव था, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी इजी, एक मिनट में एक सेकंड में बन सकता था। और ये क्वेश्चन था रीजनिंग का क्वेश्चन था, लाइक डैट वो चार असंगत है, उसमें नहीं तीन एक जैसे है, दूसरा मतलब उसमें भिन्न है, ऐसे करके क्वेश्चन चार पाँच क्वेश्चन थे रीजनिंग के क्वेश्चन। वो बहुत ईजी था क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं उतना मॉडरेट नहीं, बट इजी क्वेश्चन था। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक्चुअली मैं प्रिपरेशन कल से ही करी हूँ, ज़्यादा नहीं कल शाम से प्रिपरेशन कर, नहीं कल शाम तो नहीं कह सकते, लेकिन 4-5 बजे के करीब से मतलब पढ़ने बैठी हूँ, आज एग्जाम दी हूँ तो मुझे ऐसा लगा। पहले आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की, एक दो महीने? बिल्कुल नहीं, मैं PCS की तैयारी कर रही हूँ, PCS UPSC PCS का तैयारी कर, तो क्वेश्चन देखने पे मुझे बहुत ईजी लगा। स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए आप बता सकते हैं? इस रेलवे के एग्जाम के लिए अर्थमेटिक मैथमेटिक्स बहुत नेसेसरी है, वो भी ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम 5 मिनट में बना रहे हैं, 10 मिनट में बना रहे हैं, क्वेश्चन तो कोई भी बना सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कोई भी इंसान बना सकता है। बट स्पीड जो है ना, वो स्पीड को मेंटेन करना चाहिए। जैसे कोई 5 मिनट का क्वेश्चन है, उसको हम 1 मिनट में क्वेश्चन कैसे ले आए, इस तरीके से विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह भी अच्छा होना चाहिए, माइंड को सब। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग तो पूरे आपका मतलब जो दिन भर का जो क्रियाकलाप होता है, लाइक है ना, वो बस PCS का कर रहे थे, चाहे दरोगा SI का कर रहे थे, इसके वजह से मतलब ये है। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे जो फ्यूचर अपडेट्स है और जो सारे चीज़ें हैं आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशंस।